अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएनएन के बारे में। आरएनएन क्या होता है? आरएनएन है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब ये दूसरे न्यूरल नेटवर्क से अलग क्यों है? हमने पहली वीडियो में ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग में, कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अपने प्रीवियस स्टेप से सीखता है। अगर हम इसकी पहली पॉइंट को पढ़ें, आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप आर फेड एज इनपुट टू द करंट स्टेप। जो आउटपुट है प्रीवियस स्टेप्स के, वो इनपुट होते हैं अगले स्टेप्स के, और वो उनसे लर्न भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल मेमोरी। इसमें एक इंटरनल मेमोरी होती है जिसके थ्रू ये प्रीवियस स्टेप्स को और प्रीवियस वेट्स को लुक आफ्टर करता है, और उसके बेसिस पे न्यू स्टेप्स को भी देखता है कि वो उससे कम है या ज़्यादा है, तो ही ये फर्दर इटरेशंस करता है। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इनपुट लेयर होती है पहले, उसके बाद हमारी हिडन लेयर होती है, उसके बाद हमारी आउटपुट लेयर होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हिडन लेयर्स हैं, तो वो जो दो हिडन लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड होंगी, ये जो कनेक्शन जा रहे हैं ना, ऐसे वो इंटरकनेक्टेड होंगी और बार बार एक दूसरे को रिपीट करेंगी। यही होता है आरएनएन में। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर हम आरएनएन को यूज़ करें। जहाँ पे टेक्स्ट डिटेक्शन की और इन चीज़ों की बात आ जाती है, फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम आरएनएन को यूज़ करें। ये किसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि हमारा इनपुट क्या है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आ गया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये हमारा आउटपुट है, तो उसके हिसाब से हमें ये बता रहे हैं कि जनरेट होगा कैसे। ओवरऑल ये जो हमारा मॉडल होता है ये इट्सेल्फ रिपीट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है जो कि मल्टीपल आरएनएन्स को डिफाइन कर रही है। वन टू वन आरएनएन, वन टू मैनी आरएनएन, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दूसरा मैनी टू मैनी। अब इसमें अगर हम देखें वन टू वन, वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स, मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट, मैनी इनपुट्स एंड मैनी आउटपुट्स, सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर भी रिजेंबल कर रहा है हमारा। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, हमारे पास परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, और लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड के लिए ये अच्छा नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि ग्रेडियंट डिसेंट में इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम देखें कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जो कि हमारे वेट्स में बहुत काम आता है, उसमें बहुत मसला है। वैनिशिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डिसेंट की अगर स्मॉल वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आती है, उसकी वजह से इसमें बहुत मसले होते हैं। इसीलिए हम इसको छोड़कर LSTM पे स्विच करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। उसमें हमने क्या किया है, सिंपल लाइब्रेरीज हमने कॉल की जो कि हम करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने पैराग्राफ्स बनाए हैं रैंडम वेरिएबल्स की, उनको रैंडम वेरिएबल्स असाइन करके उनका टाइप फ्लॉट में रखकर हमने एक लेयर बनाई है। अगर हम जब भी आरएनएन पे काम करते हैं तो हम LSTM लेयर या हमारे पास एक दूसरी लेयर होती है जो कि आपका टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि दूसरी लेयर कौन सी हम इसमें यूज़ करते हैं। उसमें हमने 64 न्यूरॉन्स यूज़ किए हैं और स्टेटफुल इज इक्वल्स टू ट्रू एक वेरिएबल हमारे पास होता है। उसके बाद हमने इनके आउटपुट देखे हैं, सिंपल ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने इसको रीसेट कर दिए हैं इसके स्टेट्स, ताकि हमारी जो कैशे है वो बच सके। अगर हम इसे किसी डेटा सेट पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एमनेस्ट के डेटा सेट का। अब एमनेस्ट का डेटा सेट है क्या, वो है नंबर्स का डेटा सेट, उसमें नंबर्स की इमेजेस हैं, हम उस पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसकी बैच साइज यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, बैच साइज हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाकर डिफाइंड जो किया है वो 64, वैसे उसकी जो है वो भी यही है। उसके अलावा इनपुट डायमेंशन जो है वो हमने 28 रखी है, क्यों, क्योंकि इसकी जो साइज है वो 28x28 की ही है। मोस्टली जो भी हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं उनकी साइज 28x28 ही होती है मोस्टली। उसके बाद इसके जो यूनिट्स हैं इक्वल टू 64, आउटपुट साइज इसकी जो है वो 10 है। यूनिट्स जो है वो हमारे न्यूरॉन्स को डिफाइन कर रहे हैं, आउटपुट साइज जो हमारी है वो लेबल्स फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया,
फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अलाउ सी यू डी एन एन कर्नल। सी यू डी एन एन कर्नल है क्या? पहली बात, सी यू डी एन एन कर्नल एनवीडिया ने बनाया है जो कि एक्सेलरेट करता है हमारे जीपीयूज को, क्योंकि जब भी हमारे पिक्चर्स का काम आ जाता है तो हमें ग्राफिक्स का काम उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और ग्राफिक्स का काम अगर ऑप्टिमाइज करना है तो हमें उसमें सी यू डी एन एन को ट्रू करना पड़ता है। पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ लेयर लेवल तक ही होता है, सेल लेवल तक नहीं जा सकता, अलग अलग न्यूरॉन के पास नहीं जा सकता, पूरी लेयर के पास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशंस डिफाइन किए, क्योंकि हम इसको ट्रू ही रखेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन रन होगी वो ये होगी, हम सीधी सीधी लेयर बना रहे हैं। और यहाँ पे हम ये अपनी इनपुट डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैच को भी डिफाइन कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स। उसके बाद यहाँ पे अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर हम उसको आरएनएन में रैप कर रहे हैं, वहां पे हम एलएसटीएम में रैप किए हैं, यहाँ पे हम आरएनएन में उसे रैप कर रहे हैं और फिर एलएसटीएम सेल्स एंड ऑल ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो ऊपर हमने चीज की है वही यहाँ पे की है, यहाँ पे सिक्वेंशियल मॉडल भी हमने क्रिएट किए। सिक्वेंशियल मॉडल ये लास्ट का पार्ट है, अगर ये दो कंडीशंस रन इनमें से कोई भी एक होगी उसके बाद ये मॉडल के पास आएगा। मॉडल में क्या होगा, केरास का हमने मॉडल सिक्वेंशियल जो हम क्रिएट करते हैं वो हमने किया है, उसके बाद हमने लेयर पहले से ही डिफाइन कर दिया तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, उसके बाद बैच को नॉर्मलाइज किया है, उसके बाद हमने इसकी आउटपुट की साइज को डिफाइन किया है कि आउटपुट की साइज क्या होनी चाहिए, जीरो से हमने 10 रखा था ना, तो आउटपुट साइज कितनी होगी 10। उसके बाद एमनेस के डेटा सेट को कॉल किया है, उसको नॉर्मलाइज किया है, उसको सैम्पल लेबल एक दो वेरिएबल्स बनाकर उनमें हमने फिलहाल के लिए रख दिया है ताकि बाद में हम उन्हें टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, हमने विथ सी यू डी एन एन इसको चेक करना है, तो पहले तो हमने फंक्शन को मॉडल वेरिएबल के अंदर कॉल किया, उसके बाद इसको डायरेक्टली कंपाइल करना है। कंपाइल में हमने ऑप्टिमाइजर जो है एस जी डी यूज किया है, मेट्राइसिस में सिर्फ एक्यूरेसी हमने देखनी है और इसके लॉसेस को कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी उसके थ्रू हमने यूज किया है। उसके बाद अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल डॉट फिट, उसमें हमने इसको फिट किया है, वैलिडेट डेटा भी, वैलिडेशन के लिए हम वैलिडेट डेटा एक वेरिएबल होता है उसको हम चेक कर सकते हैं, और बैच साइज इक्वल्स टू बैच साइज, ईपॉक इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम इसको एक ईपॉक में ही चेक करना चाहते हैं, तो इसका जो लॉस है वो है 97, मतलब समझ लें एक, और ये बहुत ज़्यादा लॉस है। अगर हम इसकी एक्यूरेसी देखें तो 69% इसकी एक्यूरेसी है, वेरिएबल लॉस और वेरिएबल एक्यूरेसी उनकी वैल्यूज भी हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम वहां पर देखें जहां पर हमने सी यू डी एन एन यूज नहीं किया, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, पहले मॉडल बनाया, उसके बाद उसके वेट्स को सेट गेट किया और सेट किया, उसके बाद हमने क्रॉस एंट्रोपी सिंपल फ्रॉम लॉजिट्स इज इक्वल्स टू ट्रू, उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजर अपना यूज किया एस जी डी, मेट्राइसिस हमने यूज की, एक्यूरेसी सिर्फ हमने देखनी है, उसके बाद हमने इसकी वैलिडेशन ट्रेनिंग बैच साइज एंड ऑल वो सब कुछ क्रिएट किया एक ही ईपॉक पे, तो इसका लॉस भी कम हुआ और एक्यूरेसी ज्यादा हुई। ये वेरी करता है डेटा सेट टू डेटा सेट कि किस टाइप के डेटा सेट पे हम काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीजें चेंज होती हैं। मोस्टली रिकमेंड यही किया जाता है, अगर आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है तो आप प्रिफर करें कि आप सी यू डी एन एन को यूज करें। उसके बाद हमने सिर्फ मैटप्लॉटलिब से जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो सही भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट है 5 थी और जो टारगेट रिजल्ट भी आई है हमारी वो भी वही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका होमवर्क ये है, आप कोई भी एक डेटा सेट उठाकर उस पर आर एन एन इम्प्लीमेंट करके हमें सेंड करें। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।